सीतापुर की बिसवा तहसील इलाके की ग्राम पंचायत हथिया गाजीपुर में कोटे का चुनाव भारी पुलिस बल के बीच आखिरकार संपन्न हो गया। आपको बता दें कि 7 वर्ष पूर्व यहां का कोटा निरस्त कर दिया गया था और लोग दूसरे कोटे से राशन ले रहे थे। आज जो चुनाव हुआ है कोटे का, उसमें किसे जीत हासिल हुई है और किसके हाथ पराजय लगी है, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के मानपुर संवाददाता मनमोहन सिंह के पास। तो मनमोहन, बताइए कि हथिया गाजीपुर में जो कोटे का चुनाव हुआ, आज क्या उसका परिणाम रहा? जी प्रियांशु जी, आपको बता दें कि ग्राम पंचायत हथिया गाजीपुर में कोटे का चुनाव हुआ, जिसमें पहले 2 बार चुनाव हो चुका था जो निरस्त हो चुका था, कि उसमें एक बार में पहले 6 अगस्त 2024 को जब चुनाव हुआ था तब उसमें निरस्त हुआ, जब मौके पर प्रधान नहीं पहुंचे थे। दोबारा जब 6 सितंबर को चुनाव हुआ तो उसमें फिर किसी कारणवश निरस्त कर दिया गया। फिर आज चुनाव 25 सितंबर 2024 को चुनाव संपन्न हुआ। मानपुर पुलिस बल व थाना तालगांव सचो दीपक राय भारी पुलिस बल तैनात किया गया। बताया जा रहा है कि पहले जो चुनाव हुए थे काफी गहमा गहमी हुई थी, जिसको लेकर विवाद हो गया था, इसी के चलते भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। ये आपको बता दें कि हथिया गाजीपुर में अरुण कुमार कोटेदार, जो जिन पर पहले जो कोटेदार थे, ग्रामीणों ने कोटे पर आपत्ति लगाया था कि ये कोटा सही नहीं चला रहे, इसी को लेकर 7 वर्ष पूर्व कोटे को निरस्त कर दिया गया था। इसीलिए समिति गठित करके समिति में कोटा 4 महीने से चल रहा था और जमौरे कोटे में अटैच कर दिया गया, दूसरे गांव में अटैच कर दिया गया था। जी अरुण, जानकारी चाहेंगे, आज जो कोटे का चुनाव हुआ है क्या उसका परिणाम रहा, किसे कितने मत मिले हैं? जी, आपको बता दें कि इस बार कोटे में 3 प्रत्याशी मैदान में थे। पहले आरती देवी, दूसरे में शिव प्रताप, तीसरे मिथिलेश कुमार थे, जो आरती देवी को 693 मत मिले और वहीं पर शिव प्रताप को 503 मत मिले, वहीं पर मिथिलेश कुमार को 83 मत मिले, जिसमें 190 वोटों से आरती देवी को जीत हासिल हुई। एक जानकारी और चाहेंगे मनमोहन, कि आज जो कोटे का चुनाव था उसमें भी क्या हंगामा होने के आसार थे? जी बिल्कुल, हंगामा होने के आसार थे, इसीलिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। इसमें आईजीआर पुलिस ने ऐसी व्यवस्था बना रखी थी जिससे लोगों को कोई आपत्ति ना हो, कोई विवाद ना कर पाए, भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। गांव के बाहर बैठक एक बाग में लगाई गई थी इसीलिए। जी बिल्कुल, तो हथिया गाजीपुर जो कि ग्राम पंचायत बिसवा तहसील इलाके की है, वहां पर जो कोटा है या सरकारी राशन वितरण की दुकान है, वो 7 माह से निरस्त चल रही थी। इससे पहले जो कोटेदार थे वो ग्रामीणों के आरोप पर उनका कोटा निरस्त कर दिया गया था, जिसके बाद एक समिति गठित की गई थी और यह जो हथिया गाजीपुर का कोटा है वो पड़ोस के गांव जमौरा में शिफ्ट कर दिया गया था, अटैच कर दिया गया था और लोग वहां से राशन उठान कर रहे थे। और हथिया गाजीपुर में इससे पहले कोटे के 2 चुनाव हुए थे, 6 अगस्त 2024 और 6 सितंबर 2024। तो वहां भारी तनाव के बीच ये जो कोटे के जो 2 चुनाव थे वो निरस्त कर दिए गए थे और आज 25 सितंबर को तीसरी बार कोटे का चुनाव हुआ, जिसमें 3 प्रत्याशी थे, आरती देवी, शिव प्रताप और मिथिलेश कुमार, जिसमें आरती देवी को 693 मत मिले हैं, शिव प्रताप को 503, मिथिलेश कुमार को 83 मत मिले हैं और आरती देवी 190 मतों से जीत गई। और एक अहम जानकारी ये भी देना चाहेंगे कि भारी हंगामे को देखते हुए वहां पे पर्याप्त पुलिस फोर्स तैनात किया गया था और इस बार कोटे के चुनाव में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, हंगामे जैसे आसान ना बने, इसके लिए यह फोर्स लगाई गई थी। और मौके पर पहुंचे आई इंडिया के मानपुर संवाददाता मनमोहन सिंह ने कोटा का जो चुनाव हुआ था वहां पर पहुंचकर जानकारी दी। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या जानकारी दी और जो चुनाव प्रभारी के साथ नई कोटेदार हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया, मैं मानपुर से मनमोहन सिंह। आपको बता दें कि हम इस समय मौजूद हैं ग्राम पंचायत हथिया गाजीपुर में, जहां पे कोटे का चुनाव को लेकर यहां पे तीन फुट आपस में आमने सामने बैठे हुए हैं, जहां पे कोटे के चुनाव को लेकर मानपुर पुलिस बल व थाना तालगांव पुलिस बल मौके पर तैनात है। आपको बता दें, अब ये देखना है कि किसके सर पे ताज होगा। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले 6 सितंबर को चुनाव हुआ था और इससे पहले 21 अगस्त को चुनाव हुआ था, जो किसी कारणवश निरस्त हो गया था। आज फिर 25 अगस्त को चुनाव है। अब देखना ये है कि अब किसके सर ताज लगेगा। हम अपने ग्रामवासियों से बहुत खुश हैं, आप लोगों सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपने ग्रामवासियों का संगठन रहा, आज इस पत्ते में खड़ी हूँ। का चुनाव था जिसमें से 3 प्रत्याशी हमारे सामने आए, जिनका निष्पक्ष चुनाव कराया गया,
जिसमें सभी तीनों साथियों के सामने वोटिंग कर वो गिनवाया गया है। एक सदस्य मिथिलेश कुमार थे जिनको 83 वोट मिले हुए हैं। दूसरे सदस्य शिव प्रताप जी थे जिनको 503 वोट मिले हुए हैं। तीसरे सदस्य आरती देवी जी थी जिनको 693 वोट मिले। सबसे ज्यादा वोट आरती देवी को मिले हैं जो 693 प्रमाण पत्र दिया गया है। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।